साल 2014 हिंदुस्तान के लिए बड़ा बदलाव लेकर आया। ये वो साल था जब केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और कई बड़े बदलाव किए गए। मोदी सरकार को 8 साल बीत गए और इन 8 सालों में देश की काया कैसे पलटी है किसी से छिपा नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जैसा काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं ठीक वैसा ही उनके कैबिनेट मंत्री भी कर रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का काम ही देख लीजिए। वो कहते हैं ना कि किसी भी देश का विकास उसकी सड़कों पर दिखता है, बस कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं नितिन गडकरी। उनके काम को देखते हुए लोगों उन्होंने एक बार फिर नितिन रोड करी कहना शुरू कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि गडकरी ने कैसे इन 8 सालों में सड़कों का कायाकल्प किया, अब कैसे हाईवेज और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाकर हर किसी को हैरान किया। ये समझने के लिए आपको कई साल पीछे जाना होगा। ये बात है 1995 की। गडकरी उस वक्त 38 साल के थे। महाराष्ट्र की शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार में लोक निर्माण मंत्री बनाए गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने झंडे गाड़ दिए, महाराष्ट्र में सड़कों और फ्लाईओवर्स का जाल तक बिछा दिया। सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा किया और हर किसी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, गडकरी ने रिमोट एरिया के 35,756 गांव को ऑन वेदर रोड से लिंक कर दिया, जहां पर आजादी के बाद से कभी सड़कें नहीं बनी थी। अगर मुंबई की बात करें तो वहां पर उन्होंने 55 छोटे बड़े फ्लाईओवर बनवा डाले। सड़कों को लेकर नितिन गडकरी के इस जुनून को देखकर शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे भी दंग रह गए थे। उस वक्त ठाकरे ने ही गडकरी को रोडकरी नाम दिया था, तो वहीं कुछ लोगों ने उन्हें फ्लाईओवर मिनिस्टर कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। उनके कार्यकाल में 10 लाख करोड़ की लागत से 51,000 किलोमीटर की सड़कों का जाल बिछाने का काम चल रहा है। नितिन गडकरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो विदेशों में जाकर उनकी टेक्नोलॉजी की एक एक जानकारी जुटाते हैं और फिर उसे भारत में अप्लाई करते हैं। गडकरी के साथ काम कर चुके गोपाल कृष्ण अग्रवाल बताते हैं, मैं एक बार उनके साथ जर्मनी गया था, तब वो बायोफ्यूल से जुड़ी एक कंपनी में पहुंचे थे। 2 से 3 दिन तक वो कंपनी में लगातार जाकर एक एक जानकारी जुटा रहे थे। मैं उनकी स्टाइल का कायल हो गया था। इस इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने खुद बताया कि पीएम मोदी ने उनसे पूछा था कि आपको कौन सा मंत्रालय चाहिए। इस पर उन्होंने सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी मांगी थी। इस पर पीएम ने कहा कि ये तो शीर्ष 4 से 5 मंत्रालयों में नहीं आता। तो गडकरी ने कहा था कि उन्हें इस काम का अनुभव है और वे इसे अच्छे से कर लेंगे। पीएम से किया गया ये वादा नितिन गडकरी ने अच्छे से भी निभाया है। खैर, अब जरा पिछले 8 सालों की बात कर लेते हैं। हाल ही में नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि भारत की सड़कें साल 2024 तक अमेरिका से बेहतर होंगी। इसी को लेकर गडकरी ने लोकसभा में कहा था, जॉन कैनेडी का कहा गया एक वाक्य मैं हर समय ध्यान रखता हूँ, और वो ये है कि अमेरिका इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो अमीर है, बल्कि अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि उसकी सड़कें अच्छी हैं। चलिए अब नजर डालते हैं उन कामों पर जो 2014 के बाद हुए। 60 किलोमीटर में सिर्फ एक टोल प्लाजा दिखाई देगा। अगर इसके बीच कोई भी टोल होगा तो उसे 3 महीने के अंदर बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि गडकरी हाईवे पर स्पीड लिमिट बढ़ाने पर भी फोकस कर रहे हैं। गडकरी ने हाल ही में एक और नियम लागू करने का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सड़क पर गलत तरीके से खड़े किए गए वाहन की तस्वीर खींचकर भेजता है तो उसे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। गलत तरीके से वाहन पार्क करने वाले शख्स को 1,000 का जुर्माना देना होगा। खैर, देखा जाए तो नितिन गडकरी बेहद पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी ठेकेदार से कभी नहीं मिलता और सिर्फ काम पर फोकस रखता हूँ। अब तक गडकरी 50 लाख करोड़ का पूरा काम कर चुके हैं। पिछले 10 सालों के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 के बाद से, यानी कि पिछले 8 सालों में हर साल हाईवे की कुल लंबाई बढ़ी है। साल 2013-14 में, यानी कांग्रेस की सरकार में, 4,260 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ, तो वहीं साल 2017-18 में 9,828 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ। देखा जाए तो कांग्रेस आज के मुकाबले बीजेपी में निर्माण लगभग 2 गुना है। खास बात यह है कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नितिन गडकरी गांव की सड़कों पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं जितना हाईवेज पर। साल 2016-17 में गांव में 47,000 किलोमीटर से ज्यादा का निर्माण कराया गया। कोरोना काल के बावजूद देश में राजमार्ग निर्माण की गति नहीं रुकी। लगभग 13,000 किलोमीटर का सफर कोरोना काल में पूरा हुआ। गडकरी ने बताया कि पिछले 7 सालों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 50% बढ़कर 1,37,625 किलोमीटर हुई। यह आंकड़ा तो साल 2021 का है।
इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से बढ़ रहा है। नितिन गडकरी अब तक कई हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बना चुके हैं। हाल ही में तैयार हुआ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी इसी का बेहतरीन उदाहरण है। एक वक्त था जब मेरठ से निकले लोग दिल्ली पहुंचने के लिए 3 से 4 घंटे लगा दिया करते थे, अब ये सफर 40 मिनट में पूरा हो जाता है। बेहतरीन सड़क के साथ तैयार हुआ ये एक्सप्रेसवे राहगीरों का वक्त भी बचाता है। गडकरी ने इसे लेकर कहा कि पहले मेरठ से दिल्ली आने में 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब 40 मिनट लगते हैं। लोग बताते हैं कि वो मेरठ से आइसक्रीम खाने दिल्ली के कनॉट प्लेस आते हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की हो रही है तो आपको बता दें कि हाल ही में पूरे हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने यूपी के पूर्वांचल के कई जनपदों को बेहतर कनेक्टिविटी दी है। इसके अलावा योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गंगा एक्सप्रेसवे पर भी तेजी से काम चल रहा है, जिसके पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश में पश्चिम से पूर्व तक का सफर बहुत आसान हो जाएगा। दिल्ली से देहरादून, हरिद्वार, जयपुर और चंडीगढ़ 2 से 2.25 घंटे में पहुंचा जा सकता है। जल्द ये काम दिखाई भी देने लगेगा। 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा होने के बाद दिल्ली से मुंबई सिर्फ 12 घंटे में पहुंचा जा सकता है। गडकरी ने चेन्नई से बैंगलोर के लिए बनने वाली सड़क पर भी सबका ध्यान खींचा। इस रोड से सिर्फ 2 घंटे में सफर तय किया जा सकेगा। एक और इंटरव्यू में नितिन गडकरी से पूछा गया कि वो कितनी तेजी से अपनी परियोजनाओं को पूरा करना चाहते हैं। इसके जवाब में नितिन गडकरी ने जवाब दिया कि वो 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया जाए। खास बात यह है कि गडकरी हर राज्य की सड़क पर बराबर ध्यान देते हैं, फिर चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या फिर कांग्रेस या फिर कोई और दल। गडकरी की यही खासियत उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। गडकरी ने कुछ वक्त पहले कहा था कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने और सड़क के ढांचे को मजबूत करने के लिए 62,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। वैसे सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाले वाहनों पर भी गडकरी खूब ध्यान दे रहे हैं। कुछ वक्त पहले तक उन्होंने ये दो टूक कह दिया था कि जल्दी वो यात्रियों को हवा में चलने वाली बस का सफर कराएंगे। जाहिर है उड़ने वाली बस लोगों की कल्पना से कोसों दूर थी, लेकिन गडकरी ने इस पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर फर्स्ट फेज की बातचीत हो चुकी है, लेकिन आखिरी दौर की वार्ता बची है। अब बात अगर बनती है तो वो दिन दूर नहीं जब गडकरी के निर्देश पर बनी चकाचक सड़कों के ठीक ऊपर बसें उड़ रही होंगी। सुनने में किसी कल्पना जैसा लगता नहीं, लेकिन ये नया भारत है और यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है। वैसे आप नितिन गडकरी से जुड़े इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं और आपको क्या लगता है, क्या वाकई गडकरी सड़कों का कायाकल्प कर रहे हैं? कॉमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा।